जनपद संभल के बसपा से वरिष्ठ नेता रईस कुरैशी ने भी दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों में बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल। बीएसपी पार्टी से अकीलुर रहमान खान के निकल जाने के बाद कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने जताई नाराजगी। अकीलुर रहमान खान के बीएसपी पार्टी से निकल जाने के बाद अब उनके समर्थक में सैकड़ों कार्यकर्ता एवं नेताओं ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि ये कार्यकर्ता वही पार्टी ज्वाइन करेंगे जिस पर अकीलुर रहमान खान हाथ रखेंगे। बहुजन समाज पार्टी द्वारा पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खान को पार्टी से निकाले जाने के बाद इसकी जानकारी तमाम कार्यकर्ता एवं नेतागण में पहुंची तो उनमें खलबली मच गई। तो सबसे पहले जानकारी मिलने के बाद अकीलुर रहमान खान की पत्नी तरन्नुम अकील ने बसपा से इस्तीफा दिया। फिर अकीलुर रहमान खान के समर्थन में सैकड़ों पदाधिकारियों ने एक पत्र जारी कर मीडिया को भेजा जिसमें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। जिसमें इस्तीफा देने में बहजोई के मुस्लिम बसपा जिला अध्यक्ष रहे रईस कुरैशी ने भी इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने में एक जिला कोऑर्डिनेटर एवं दो जिला पंचायत सदस्य व ब्लॉक प्रमुख पति असमोली विधानसभा के अध्यक्ष एवं विधानसभा प्रभारी एक नगर अध्यक्ष समेत सैकड़ों सेक्टर अध्यक्ष शामिल है। वहीं बसपा द्वारा असमोली विधानसभा की बसपा कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है और जब भंग करने की बात सामने आई है तो असमोली विधानसभा से बीएसपी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी अब नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की नई कार्यकारिणी की पार्टी गठित की जाएगी। हमारे जो नेता थे अकीलुर रहमान पूर्व मंत्री जो 29 साल से इस पार्टी की सेवा कर रहे थे उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हम सभी पुराने कार्यकर्ता आज दुखी होकर इस पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं, इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। क्योंकि इस पार्टी में हमने ये महसूस किया है कि ईमानदार वफादार लोगों की इस पार्टी को जरूरत नहीं है। जहाँ भी उस लोगों की जरूरत है जो कि गुमराह करके हाईकमान को ये ऐसे काम कर रहे हैं और इसमें पार्टी का नुकसान हो रहा है। आज हम बड़े दुख के साथ हमें इस पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है। हम आने वाले टाइम में जो भी फैसला होगा हमारे जो मंत्री जी हैं वो फैसला लेंगे, सब समझ सकते हैं। जो भी पार्टी ज्वाइन करेंगे उसमें हम लोग समझाएंगे।